हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मैक्स टाउन हॉल 16 को पूरे 100% गिरा देंगे, वो भी बिल्कुल ही मास कुकी से, मतलब कि मास मिनी पेकस से। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, बस तुम्हें एल शेप का एक पैटर्न बनाना है, यानी कि पाथिंग करना है। चाहे तुम उसे फ्लेम फ्लिंगर से कर लो या फिर तुम ब्रीम से कर लो, कोई भी चीज़ से कर लो, बस एल शेप का पैटर्न निकाल लो जल्दी से। और ऐसा पैटर्न निकालो कि तुम्हारा मैक्सिमम डैमेज टेकिंग वाला जो भी डिफेंस है वो सारे डाउन हो गए। जैसे कि टाउन हॉल को मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया है, और अगर नहीं टाउन हॉल नहीं होता है तो या फिर ईगल को ले लो या फिर स्कैटर को ले लो। जैसे ही एल शेप का पैटर्न फॉर्म हो जाए वैसे ही तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक साइड से तुम्हें पेका को उतार देना है। अगर तुम सुपर आर्चर ब्लिंप ले जा रहे हो तो कोई स्पेल का झमेला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास पेका ही बचेंगे और हीरोज बचेंगे। तो आराम से, कोई चीज़ का झमेला नहीं है, आराम से उतारते जाओ एक साइड से। बस इतना ही तुम्हें नज़र में रखना है कि तुम्हारे जो ट्रूप्स हैं एक सही पाथ फॉलो कर रहे हैं, इधर उधर भटक नहीं रहे हैं, एक बस कोर में जा रहे हैं। आराम से बस तुम्हें पाथिंग क्रिएट करते जाना है धीरे धीरे करके ट्रूप्स उतारते जाओ, और बस बूम खत्म है भाई, पूरा बेस खत्म है। कुछ नहीं करना, सारे ट्रूप्स जहाँ उतर गए पूरा तुम्हें और कुछ नहीं करना है, ना कुछ स्पेल का झंझट है ना कुछ का झंझट है। बस तुम चुपचाप से बैठ के अब देखते रहोगे, बस सही जगह देख करके हीरोज़ का एबिलिटी यूज़ कर लो। अगर वो भी नहीं करना है तो भाई रहने दो, ऑटोमेटिक यूज़ हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना भाई। चलो चुपचाप से अब गेम प्ले देखते हैं। Cause baby, when I'm gone for good.